नमस्कार साथियों, मैं अपने YouTube चैनल आजाद एग्जाम ITI पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप लोग हमारे थंबनेल देख ही चुके होंगे, आज का वीडियो में भविष्य में होने वाले बदलाव के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि ITI के विषयों में आने वाले भविष्य में बदलाव किए जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए, अब से सभी इंजीनियरिंग ट्रेडों के लिए कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग विषय नहीं, यानी कि भविष्य में आने वाले समय में इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर नहीं होगा, नहीं कराया जाएगा। WC&S विषयों को सैद्धांतिक विषय के साथ विलय करने का प्रस्ताव, यानी सैद्धांतिक विषय पर विलय किया जाएगा इसको। रोजगार कौशल विषय घंटों को कम करने का प्रस्ताव, यानी जो रोजगार यानी कि जो रोजगार विषय है, यानी स्किल सब्जेक्ट है, उनके घंटों में क्या किया गया, बदलाव किया करा भविष्य में बदलाव किए जाएंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विषय का मूल्यांकन वीओ वाइस के माध्यम से संस्थान स्तर पर किया जाएगा, यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विषय यानी इनका मूल्यांकन जो है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मूल्यांकन वाइवा के माध्यम से किया, वाइवा के माध्यम से कुछ प्रश्न इम्प्लायबिलिटी के पूछे जाएंगे, माध्यम से संस्था पर ही कराए जाएंगे। आपसे सभी इंजीनियरिंग और गैर इंजीनियरिंग ट्रेडों के लिए केवल दो ही परीक्षाएं होंगी। पहली प्रैक्टिकल जो ऑफलाइन होती है, स्कूल पर ही होती है, कॉलेज पर ही, और दूसरी CBT, यानी जितने भी ट्रेड होंगे, ट्रेड की जो भी पेपर होती हैं, वे CBT के माध्यम से करा लिए जाएंगे। कुल एक वर्ष की प्रशिक्षण अवधि को 1600 घंटे से घटाकर 1200 घंटे करने का प्रस्ताव, यानी एक वर्षीय या दो वर्षीय जो भी सब्जेक्ट हैं, एक वर्षीय या दो वर्षीय ट्रेड हैं, यानी 1600 घंटे पहले थे तो अब आने वाले भविष्य में बदलाव किए जाएंगे और 400 घंटे इसमें से लेस कर दिए जाएंगे। संस्था में वास्तविक प्रशिक्षण यानी 1200 घंटे, जो संस्था में पहले 1600 घंटे का क्लास चलता था, वह अब कितने का, 1200 घंटे का क्लास चलेगा। OJT और सामूहिक परियोजनाओं के लिए 150 घंटे, यानी OJT ऑन जोन ट्रेनिंग के लिए कितने, 150 घंटे। 150 घंटे यानी कंपनी कारखानों के लिए जो ट्रेनिंग कराई जाती है वे कितने की होगी, 150 घंटे की होगी। NOS या राज्य बोर्ड के माध्यम से माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक अध्ययन के लिए 240 घंटे। जल्दी ही DGT इस संबंध में आदेश जारी करेगी, हालांकि हम अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं था, जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आता है हम आपके सामने फिर से लेकर आएंगे अपडेट, और आपको बताएंगे कि क्या ITI के सब्जेक्ट में चेंजिंग हुए हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।